हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल ट्रेन व्हील्स के एक और नए वीडियो में। एक नए टॉपिक से जहाँ पे आज का टॉपिक ये है कि जैसे जैसे हम लोग लॉकडाउन खुलने के कगार पे जा रहे हैं, वैसे जैसे लोग जो है अपने घरों से अपना प्राइवेट कार जो है वो लेके ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, बाजार वगैरह जा रहे हैं। तो वहां पे कुछ आपको प्रिवेंटिव मेजर जो है उसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका जो कार है वो वायरस फ्री रहे, आप वायरस फ्री रहे और जो है आपके फैमिली मेंबर्स भी वायरस फ्री रहे। तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। तो दोस्तों, टिप नंबर वन है कि सबसे पहले तो आप अपने कार में एक सैनिटाइजर जरूर रखें। सैनिटाइजर, मेरे को पता है कि बहुत लोगों को ये बात पता होगा, लेकिन फिर भी टिप्स है तो फिर मैं आपको शेयर जरूर करूंगा, जिससे कि अगर कोई ये चीज नहीं फॉलो कर रहे तो वो जरूर फॉलो करे, जिससे कि वो सीख रहे। देखिए, सबसे पहला है कि हैंड सैनिटाइजर जरूर रखें। इससे क्या होता है कि जब भी आप कार से बाहर जाएं, तो कार से बाहर जाके जब आप कार में वापस आए या कोई सामान अगर आप उठा के ला रहे हो, तो वो सामान को रख के फिर आप जो है थोड़ा सा सैनिटाइजर से अपना हाथ सैनिटाइज कर लीजिए, जिससे कि आपका कार भी, आप जिस स्टीयरिंग को छूओगे वो स्टीयरिंग भी आपका सैनिटाइज रहेगा, वो भी वायरस फ्री रहेगा। इस तरह से आप जो है सैनिटाइजर रखिए जरूर अपने कार में। दूसरा टिप ये है, जब राइड शेयर जो है उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। देखिए, मेरे को पता है कि ऑफिस जाते वक्त आपको बहुत सारे कलीग्स आपको मिल सकते हैं कि जो कि आपके साथ जाना चाहते हैं, या फिर कोई भी हो जो कि आपके साथ ऑफिस जाना चाहते हैं, लेकिन प्लीज इस टाइम पे, इस पैंडेमिक सिचुएशन में उनको समझाइए, आप भी समझिए कि जो है अभी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके घर मेंबर से कोई है जिसको आप जानते हैं कि हाँ उनके अंदर कोई भी वायरस प्रेजेंट नहीं है, तो उनको लेके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको आप नहीं जानते हैं, उनके घर के हालात नहीं जानते हैं, उनको लेके जाना अभी की सिचुएशन में मेरे हिसाब से जो है थोड़ा सा जो रिस्की होने वाला है। इसलिए जितना हो सके थोड़ा राइड शेयर जो है, मतलब कार शेयर करना, वो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। उनको बोलिए प्लीज आप अपना जो है प्राइवेट कार या फिर प्राइवेट बाइक जो है उसको लेके आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसे, प्लीज, बिकॉज ये सिचुएशन है, इसमें सबको थोड़ा सा जो है डिस्टेंस एक दूसरे से मेंटेन करना जरूरी है। अब आते हैं थर्ड टिप पे। थर्ड टिप जब यह है कि जब आप कार चला रहे हैं, अभी जैसे मेरे को पता है कि गर्मी का मौसम है, आप सभी एसी चला के कार चलाना प्रेफर करते हैं, मानता हूँ एसी चलाते हैं, एसी चला के जो है गर्मी कम होती है और आप जो है आराम से गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ दूर जाने के बाद जब आप एसी बहुत देर तक चला देते हैं, कुछ दूर जाइए फिर जाके जो है सिर्फ पांच मिनट के लिए आप जो है अपने चारों शीशे जो है उनको खोल दीजिए कार के, एसी बंद करके। इससे क्या होगा कि इससे आपके कार के इंटीरियर में जो हवा प्रेजेंट है, जो वायरस अगर उस हवा में होगा या फिर कोई भी बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, वो चीज जो है वो बाहर निकल जाएगा आपके कार से, और आपके कार के अंदर जो है थोड़ा सा वेंटिलेटेड होके बाहर का फ्रेश एयर जो है वो आपके कार के अंदर घुस जाएगा। हाँ, अगर आपका एरिया पॉल्यूटेड है तो फिर आप नहीं खोलिए, उसको बंद ही रखिए। जब एरिया पॉल्यूटेड एरिया क्रॉस हो जाए तब आप खिड़की जरूर खोल दीजिए, थोड़ी देर के लिए, बस 5 मिनट खोलिए फिर बंद कर दीजिए, फिर आप एसी चला के आराम से गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों फोर्थ टिप पे, जो कि है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। देखिए, जब आप रोड्स पे जाते हैं तो आपको हो सकता है रास्ते से कुछ खरीदना हो, या फिर आपको टोल पे करना हो, या फिर फ्यूल पंप में पेट्रोल या डीजल डलवाना हो, कोई भी फ्यूल डलवाना हो, तो वहां पे जो है आपको पेमेंट करना पड़ता है, कैश देते हैं या फिर कुछ भी कार्ड देते हैं, कार्ड से स्वाइप करते हैं। लेकिन वहां पे जो है आप कार्ड या फिर कैश का जो पेमेंट ऑप्शन है उसको आप जरूर अवॉइड, थोड़ा सा कीजिए, अवॉइड कीजिए, जितना हो सके आप अवॉइड कीजिए, जिससे कि आपको जो है बिना कॉन्टैक्ट के आप जो है पेमेंट ले सके, उनको भी कुछ देना ना पड़े, आप भी कुछ ना दें, जिससे कि दोनों ही सेफ रह सके। और जो है आप उसके जगह कॉन्टैक्टलेस, मतलब आप जो है कैश के जगह जो है आप ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि अभी आजकल तो हर दुकानों में आपको मिल जाएंगे पेमेंट ऑनलाइन वाले, स्कैन एंड पे या फिर यूपीआई वगैरह आप उसका यूज कर सकते हैं, जो कि आपको गूगल पे या फिर पेटीएम या फिर फोन पे या फिर अमेजन पे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, हर बैंक के अलग अलग एप्स आ चुके हैं आज के दिनों में, तो आप जो है उनका इस्तेमाल कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, यूपीआई आईडी से पेमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि आपका जो है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट हो जाएगा। इससे तो एक तो आपको किसी को छूना नहीं पड़ रहा है, कोई भी कैश अपने अंदर लेना नहीं पड़ रहा है, और दूसरी बात कि आपका वो जो खुला वगैरह का जो सीन रहता है वो सब भी नहीं होने वाला, कि मेरे पास खुला नहीं है आप खुला दीजिए, ये सब का भी सीन नहीं रहता, आप सीधा अपना अमाउंट डालिए वहां पे, उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बस इतना ही आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है ऑनलाइन पेमेंट का, तो आप प्लीज बनवा लीजिए, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां से हेल्प लेके भी अकाउंट बनवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। अब आते हैं जो है फिफ्थ टिप पे, जो कि है बूट का क्लीनिंग। बूट का मतलब होता है कि जो है पीछे का जो लगेज एरिया होता है उसको एक्चुअली बूट कहते हैं, या फिर हैच डोर भी बोल सकते हैं उसको। तो दोस्तों, जब आप कहीं बाजार से आते हो, कोई भी सामान लेके आते हो, तो अगर आपके लगेज एरिया में कोई सामान है, तो उस लगेज एरिया को लगेज निकालने के बाद जो है उसको भी थोड़ा सैनिटाइज कीजिए। पहली बात तो कि जब आप कहीं से बाहर आ रहे हो, तो आप जो है पूरे कार को जो है एक बार बाहर से एक बार धो दीजिए, और जो अंदर का जो इंटीरियर है उसको
सैनिटाइज जरूर कीजिए, कुछ स्प्रे वगैरह यूज करके या फिर कुछ भी आप यूज कर सकते हो उसमें, आप सैनिटाइज जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कार जो है, कार में कोई भी स्टैग्नेंट नहीं रहेगा और आप और आपके फैमिली जो है वायरस फ्री जरूर रहेगा। तो दोस्तों अब आते हैं सिक्स्थ टिप पे, जहां पे आप जरूर एक ग्लव्स यूज करें। ग्लव्स जरूर यूज करें जब आप कार से बाहर जा रहे हो, तो आप ग्लव्स पहन लीजिए, फिर कार के अंदर आते वक्त ग्लव्स को खोल के आप जो है कोई सेपरेट जगह में उसको जरूर रखें। आपके कार के अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं जहां पे कुछ नहीं रखने का जगह हो, तो वहां पे आप जरूर उसको, उन ग्लव्स को रख दें और घर जाने के बाद उनको फिर साफ कर लीजिएगा। तो ये थे दोस्तों कुछ टिप्स, जिससे कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आया होगा, और ये टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका कार, आप खुद और आपके फैमिली जो है वो जो है सेफ रहेंगे, और आप भी, आपको भी एक सेफ ड्राइव का एक्सपीरियंस होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगा, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, सेफ ड्राइव करें और देखते जरूर रहें ऑल ट्रेड न्यूज। जय हिंद।